नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई अनिल ढांडा और ए के डी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कृष्णा कॉलोनी है और कृष्णा कॉलोनी के अंदर सैनिटाइज किया जा रहा पूरी कॉलोनी को। और हम यहाँ बात भी करेंगे जो हमारे माननीय पार्षद हैं नरेश सैनी, तो उनसे हम बात भी करेंगे। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा, जैसे किस तरह से यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरे मेंटेन तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है गली के अंदर, जैसे अगर जहाँ तक भी पहुँच रहा है ट्रैक्टर वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और जैसे अंदर आप देखेंगे ये गली कितनी अंदर बंद भी है, लेकिन पूरा अंदर तक लास्ट मकान तक आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा लास्ट मकान तक सैनिटाइज कर रहे हैं पूरी जिम्मेवारी से। इनकी कोशिश यही है कि कोई भी मकान विदाउट सैनिटाइज ना रहे, हर किसी के गेट ग्रिल जो भी सामने आता है कोई व्हीकल है उसको भी सैनिटाइज कर रहे हैं। हम साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे, हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे कि पूरी कॉलोनी को यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खुद जो हमारे पार्षद हैं वो लगे हुए हैं सैनिटाइज करने। तो थोड़ा क्लोज दिखाना सर, थोड़ा क्लोज दिखाना सर को। मिस्टर नरेश सैनी खुद यहाँ पे मकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरी जिम्मेवारी से यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर यहाँ की जनता ने इनको वोट दिया है, इनको पार्षद बनाया है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए। हमारे पार्षद यहाँ के बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ ये हमारे जो पार्षद हैं वो संदेश भी दे रहे हैं कि घर पे रहो सुरक्षित रहो, मैसेज भी पास कर रहे हैं लोगों के अंदर एक जागरूकता लाते हुए। हमारे जो माननीय पार्षद हैं नरेश सैनी जी, तो उन्होंने इस मुहिम को यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी के अंदर चलाया है, तो हम उनसे बात करेंगे। सर जैसे कि आपने ये मुहिम छेड़ी है, तो आपको कैसे ध्यान में आया कि इस तरह का हमें सोशल काम करना चाहिए? अब जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है जी जी, उसमें मतलब पहले सतर्क नहीं हो पाए और जिस वजह से इतने देशों में ये बहुत बुरी तरह से फैल गई है और इतने लोगों की जान गई। तो हमने सोचा बाहर देश में पहले ही एक नागरिक होने के नाते, वार्ड का पार्षद होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वार्ड को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित और स्वच्छ रखा जाए। तो इस वजह में हम आज ये हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर रहे हैं जिससे भी जितने वायरस है लगभग उससे खत्म हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया मुहिम है सर आपकी। बाकी आपका फर्ज भी बनता है, यहाँ के लोगों ने आपको बनाया है वोट देके, तो एक पार्षद होने के नाते आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे सर हम देख रहे हैं आज ये मुहिम आप कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि सर ध्यान है ओके सर, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आज आपने यहाँ पे सैनिटाइज किया है, तो इसको देखते हुए आप फ्यूचर में भी इस तरह का कोई और काम भी सोचा है जैसे सैनिटाइज का या फिर कोई मास्क है? बिल्कुल ऐसा मैंने पहले, अब जो उधर एक मार्केट है जो जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते थे वहाँ पर डिटॉल की साबुन जी और रुमाल जी और ये मास्क वगैरह वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे ओके। और इससे पहले भी हम जैसे भी मच्छरों के लिए जो वो दवाइयों के धुआं करवाता हूँ। और अब आगे ये है कि एक बार अब मोबाइल जो अवन है वो घुमाएंगे वार्ड में फिर, ताकि ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अपने नज़दीक भी ना आए वार्ड के। तो ये बहुत ही बढ़िया हो जो भी आपने किया है, अच्छा कदम है। और मैं चाहूँगा कि हर नागरिक यहाँ पे जागरूक हो, तो इसको देखते हुए आपका क्या मैसेज है अपने जो वार्ड आपका इन नगरवासियों के नाम? लोगों से मेरा ये मैसेज है वार्ड वासियों से कि सबसे अहम, कितना भी सैनिटाइज कर लूँ मैं उसका असर नहीं होगा जब तक कि वो अपने घरों में नहीं रहेंगे। अगर वो अपने घरों में रहते हैं सुरक्षित हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी बाहर से आएगी, बाहर का आज हम सैनिटाइज करके चले गए और वो कहीं से आएंगे बाहर से और वो आकर के बीमारी ले आएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। सबसे बड़ा इलाज इसका यही है, स्टे एट होम, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर है, पब्लिक को परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, फ़ोन कीजिए और उनकी हर सुविधा अब उनके घर पर उपलब्ध हो जाएगी। जो बहुत बढ़िया सर। और एक मैसेज और मैं आपकी तरफ से चाहूँगा कि जैसे कि जो गेस्ट आते हैं बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है? हाँ जी बिल्कुल दी गई है। उनको पहले तो ये है कि उनको चेकिंग होती है, जितने अच्छा। भी आते हैं ना बाहर से जी जी, उनको चेकिंग की जाती है उनकी, ठीक है। उसे अगर जो भी इससे ग्रस्त लगता है तो उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। लेकिन हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जींद में अभी इस प्रकार का कोई भी केस नहीं है, और इसलिए हम और भी जागरूक हो रहे हैं ताकि
परमात्मा करे ये केस हो भी ना। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं यहाँ से एक बुजुर्ग आदमी जो खड़े हैं, हम इनसे बात करना चाहूँगा। और आप यहाँ गली के आई थिंक बुजुर्ग ही हैं, दो तीन बंदे ही हैं, तो इनको इनसे बात करना चाहूँगा कि ये कितने यहाँ पे मतलब एक्टिव हैं, क्योंकि बड़ों का ही एक्टिव होना पड़ता है। बहुत एक्टिव है। ओके, तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, और ठीक हो? ठीक है। अच्छा जी, पहले तो कवर करो सर, कवर करो, मुंह ढक ले। हाँ, मुंह ढक लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। जैसे आज हमारे पार्षद यहाँ पे सैनिटाइज करवा रहे हैं अपनी कॉलोनी को, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, इससे मच्छर मर जाएंगे और उससे कोरोना से भी राहत मिलेगी। जी जी। हाँ। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे आप दो तीन बुजुर्ग हैं अपनी गली के अंदर। हाँ। तो यहाँ पे आपने किसी तरह का कुछ मुहिम छेड़ी हो पर्सनली तौर पे किसी को जागरूक करने के लिए? जैसे ऐसा तो कुछ नहीं करे, सब वैसे मिलजुल कर रह रहे हैं, अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकलते। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बता रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कोई बाहर से आता है तो उसके ऊपर भी कोई निगरानी रखता है अपनी गली के अंदर? नहीं, यहाँ से कोई बाहर से आया नहीं अभी तक, ना कोई ऐसा कोई मिला समाचार कोई बाहर से आया है। तो अपनी सभी की जिम्मेवारी मैं मानता हूँ, जितने भी अपने शहरवासी हैं, कि कोई बाहर से आता है तो हम थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे पूछे भी कौन आया है, कौन आया है, कितने देर के लिए आया है, कहाँ से आया है, तो ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ध्यान रखें, सजग हैं हम सभी, सजग हैं, तुरंत प्रभाव से है ना वो मैसेज आ जाता है, अगर किसी प्रकार की भी कोई भी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ, अभी दस पाँच छः दिन पहले एक 62 साल की लेडी थी, उसके कान से खून वगैरह आया, जो तुरंत मेरे पास मैसेज आया, मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, डी साहब के ने जो दी हुई हैं उसका हॉस्पिटल से आए और उसको उठा कर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हम सजग हैं, बिल्कुल सजग हैं। बहुत बढ़िया सर। पानी के लिए कल ही था, कल को एक को राशन की प्रॉब्लम हुई थी उसमें, और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, तुरंत प्रभाव से राशन वाले के पास गया और जा करके मैंने कहा भाई अभी इस टाइम में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुरंत उसको राशन उपलब्ध करवाया। और सब हमारे पास हेल्पलाइन सब चीज़ की हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का है, चाहे वो राशन का है, कहीं भी क्या है, सब है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। बहुत बढ़िया सर, बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर आप जितने एक्टिव हैं उतने एक्टिव सारे पार्षद हों, जो भी अपने मोहल्ले में कहीं बस्ती के अंदर जो भी है, सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये कृष्णा कॉलोनी के चौड़ी गली के पास पहुंच चुके हैं, और इन्होंने स्टार्ट किया था जो आपके जो बत्तख चौक बोला जाता है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, और यहाँ तक ये सारे भाई पहुंच चुके हैं सैनिटाइज करते करते, एक घर नहीं छोड़ा, बंद गली नहीं छोड़ी, हर किसी को जो भी व्हीकल है उसको करते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, और ख़ासकर मैं बात करूंगा पार्षद का, जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, वो खुद अपने हाथों में इस जिम्मेवारी को लेते हुए और पूरी कॉलोनी को यहाँ पे सैनिटाइज करते हुए, ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया ये देखने वाला दृश्य है। लेकिन लोगों से मैं भी खुद अपील करता हूँ कि यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, और जो भी है घरों से बाहर हो अपने मुँह को कवर करें। अंकल जी आप भी करो कवर थोड़ा सा, ठीक है, बच्चे सुखी रहेंगे। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैनिटाइज किया है, अब गली के अंदर दिखाना चाहिए पर, यहाँ गली के अंदर आप देख सकते हैं दृश्य, सभी के सभी अब अंदर जा चुके हैं, कोई बाहर नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत ही सभ्य यहाँ पे लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे समझदार, ये बुजुर्गों को भी देख सकते हैं पूरा कवर किया हुआ है। ताऊ जी थोड़ी देर बाद अंदर चले जाना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही पूरा दिन इधर ही हूँ, रहता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी समझदार लोग कृष्णा कॉलोनी के हैं, यहाँ पे सारे रूल को फॉलो करते हैं। बात करूँ पूरे जींद की, पूरा जींद ही बहुत अच्छे से इस जिम्मेवारी को उठा रहा है। तो मैं अपने इस रिपोर्ट को यहीं पे क्लोज करता हूँ, और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि पूरी जागरूकता फैले समाज में और सभी जागरूक हों। जय हिंद।